हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी तो स्टार्ट हो चुका है और अभी इवनिंग का टाइम है। आज तो पूरा दिन मैं सोई हूँ, बाप रे। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा चाय पीने, नाश्ता करने कैंटीन, मतलब अपनी दोस्त तमन्ना के साथ, उसका ड्यूटी है तो अभी जा रहे हैं, इसीलिए तो पेट बाहर आ। तो मैं आ गई थी नाश्ता करके और मैंने लिट्टी चोखा बनाया है, तो वो जा रही हूँ, पहले खाऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके जाना है नाइट ड्यूटी। तो अभी बज गए 10 और मैं जा रही हूँ नाइट ड्यूटी के लिए। एप्रन के ऊपर स्वेटर पहले, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, आज ठंडा बढ़ गया ऐसा लग रहा है। और इधर शूज़ भी पहन लिया, मतलब कम्प्लीट प्रोटेक्शन ठंडा से, ये ठंडी ठंडी वादियाँ। तो अभी सारा काम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, मेंस वेट कर रहे हैं हैंडओवर देने का। और रात में एक पेशेंट आया था, क्योंकि हम लोग का एडमिशन डे था, बेड ही खाली था, तो एक ही आया। अभी सारा काम हो गया है, बस कोई जल्दी से हैंडओवर लेने आ जाए। गाइस, अभी हम नींद डिस्टर्ब करके, मैडम अभी सो के उठ के, अभी हम लोग जा रहे हैं, एक दीदी का फेयरवेल है, तो वहीं पर थोड़ा सा देखिए कितना तैयार हो के आई और हम ऐसे सो उठ के जा रहे हैं। इन तीनों का फेयरवेल, तीनों जा रहे हैं, ये रिएक्शन है। सुनो, शीतल को एक्चुअल फेयरवेल देना था, इनको एडवांस का फेयरवेल दिया जाएगा। हम लोग ऐसे बॉम्ब फेंकी है कि उसको उधर कहाँ मिल गया, सीएचओ मिल गया, डॉक्टर सुनील, और ये बहुत निराश हो गया कि लक्ष्मी चल जाएगी बोल के। तो फिर हम लोग को देना ही पड़ेगा, मिला नहीं मिला लगभग पहले और आप क्या सीखे यहाँ पे रह के वो बताना है ना, बताइए। इंटरव्यू ले रहे शुरू से बोलो, बोलिए दी, बोलो और बोलो, अब एक साल पूरा बिता ही दो, तुमको मौका दिया जाएगा, तुम शांति से रहो, तुम अपना जगह पे बैठे, सब फ्रेंडली हो गए थे आपसे, अपना ऐसे कर दौड़ना सीखे, दौड़ना सीखे, वेट कम हो गया है वहाँ पे, हमको मतलब इससे थोड़ा वहाँ बैठना सीख लिया, नहीं वहाँ पे डाउन के बाद जो दौड़ना है ना, वो बजे तक चलते रहता है, बस राउंड नहीं होता, जब तक नहीं होता तब तक ठीक है, तब तक एक टेंशन रहता है सर का वाइट, ये है एनर्जी कम है उसको। तो लक्ष्मी दी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वार्ड 3C का? अब चुप हो गए, और यहाँ आपको लड़का थोड़ी ना कोई देखने आया कि धक धक कर रहा है। बहुत अच्छा रहा, नया चीज सीखे इस वर्ड में, क्या नया? इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, बड़े के साथ में इधर पीसी का हर प्रोसीजर तुम्हारे लिए, हाँ क्या रूल अच्छे से लगाने के लिए सीखे, कोशिश करते कि छुट्टे ना, लेकिन छूट जाता है, क्योंकि सिस्टर के आने के टाइम रहता है, तो सिस्टर आएगी जल्दी सब काम हो जाएगा। और पहले
भी हम जॉब किए थे लेकिन इस तरह मतलब कैरेक्टर वाइज नहीं किए थे कि इंचार्ज थी वहाँ पे सीनियर स्टाफ अकेले के लिए प्राइवेट में ड्यूटी किए थे। लेकिन यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिला कैसे मेडिसिन काउंट करना है कैसे इंजेक्शन लिखना है तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद भी हम अभी यहीं रहेंगे लेकिन इस वार्ड से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं तो दूसरे वार्ड में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इस वार्ड को कभी भी मेरा पहला प्रेफरेंस बहुत अच्छा रहा और इस वार्ड से जाने का मन तो नहीं है और इंचार्ज सिस्टर भी बहुत सपोर्ट की और रेजा सिस्टर भी बहुत कुछ सिखाई कि राउंड में डरना नहीं है कुछ भी अगर तुम नहीं भी जानते तो बोले सर हम दो मिनट में आपको देख के बता रहे हैं। खुद में पेशेंस रखना है और स्ट्रांग रहना है तो सबसे बहुत अच्छा लगा इस वार्ड में निकल जाना पड़ेगा। क्लैपिंग जोर से तो अभी इन लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है करके हगी कर गया हगी क्या हो रहा है खाने से स्वागत हो रही। देखिए ये चारों लोगों को कैसे खा रहे हैं देखिए और तमन्ना को तो मतलब कोई मतलब ही नहीं उसको खाने पे फोकस है बस कोई मतलब नहीं। उसका गिफ्ट का रिव्यू कैसा बताइए रिव्यू दीजिए तो ऐसा रहा हम लोग का फेयरवेल पार्टी फोटोशूट वगैरह हो गया तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।